पिछले 1.5-2 महीने से बाढ़ की मार झेल रहे उत्तर बिहार के जिलों में बदले मौसम ने एक बारगी बाढ़ पीड़ितों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम ने रविवार को करवट ली। सवेरे से मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश हुई। नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी मध्यम बारिश से एक बार फिर थमी नदियों के उफनाने का खतरा है। फिलहाल आपदा प्रबंधन और जल संसाधन विभाग की टीमों को नदियों के जलस्तर और तटबंधों की स्थिति पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। इधर जानलेवा बने बाढ़ के पानी ने आधा दर्जन लोगों की जान ले ली। डूबने से 3 बहनों समेत 6 लोगों की मौत मुजफ्फरपुर जिले में हो गई। सबके शव को बरामद कर लिया गया। सकरा में 2 सगी और 1 चचेरी बहन बाढ़ के पानी में बह गई। बोचहा में बुजुर्ग सड़क पार करते समय बाढ़ में बह गए। सकरा प्रखंड के बाजे बुजुर्ग गांव की 3 बहन छोटेलाल साह की पुत्री अंजलि कुमारी, रजनी कुमारी और प्रदीप साह की 16 वर्षीय पुत्री नंदनी कुमारी की मौत डूबने के कारण हो गई। 3 बहनों के एक साथ डूबकर मौत की खबर मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। तीनों बहनें मवेशी के लिए चारा लाने निकली थीं। वहीं औराई थाना की रामपुर पंचायत के संभूताडीह गांव के छोटी सहने का 11 वर्षीय पुत्र कीन कुमार बाढ़ के पानी में डूब गया। दूसरी तरफ नौका दुर्घटना में डूबी अमृता कुमारी का शव सुबह मधुवन प्रताप गांव के पास बागमती नदी में उपलाता मिला। वहीं बोचहा की रामपुर जयपाल पंचायत के रुदहा सनाटी गांव के वार्ड 9 के 65 वर्षीय राजदेव मांझी की मौत चौपार गांव में बाढ़ के पानी में डूबकर हो गई। सरैया के जगन्नाथ स्वामी मंदिर बसंतपुर पट्टी के समीप पोखर में डूबने से युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान बसंतपुर पट्टी के रंजीत साह के रूप में की गई। उत्तर बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्रों में 2 दिनों से हो रही रुक रुक कर बारिश से नदियों के जलस्तर में वृद्धि शुरू है। गंडक, बागमती, कमला और बूढ़ी गंडक में जल वृद्धि दर्ज की गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम विज्ञान के वरीय वैज्ञानिक गुलाब सिंह के अनुसार 3 दिनों तक उत्तर बिहार और नेपाल के तराई के इलाके में बारिश के आसार हैं। अगर बारिश लगातार होती रही तो एक बार फिर से बाढ़ग्रस्त इलाकों में रह रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में भी जमकर बारिश हुई। इधर गंडक में जलवृद्धि से चंपारण के दियरावर्ती लोगों की चिंता बढ़ी हुई है। रविवार को वाल्मीकि नगर बराज से गंडक में 1,33,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पूर्वी चंपारण में गंडक का 107.25 मीटर जलस्तर रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फरपुर जिले की बड़ी 3 नदियों के जलस्तर में कमी के बावजूद बाढ़ प्रभावित अधिकांश इलाकों की स्थिति खराब। छोटी नदियां तबाही मचा रही है। बाया, झाछा, कदाने जैसी नदियों से 4 प्रखंड की दर्जनों पंचायत प्रभावित है। सकरा, कुढ़नी, सरैया, पारू इत्यादि ऐसे इलाके हैं जहां पर काफी क्षति हुई। सकरा प्रखंड की 10 पंचायत कदानी नदी की बाढ़ से तबाही झेल रही है। सवाहा से बरियापुर जाने वाली मुख्य सड़क NH 28 से दोनमा चौक, सोनबरसा से बरियारपुर, सुजावलपुर से पातेपुर जाने वाली सड़कों पर ये पानी बढ़ता ही जा रहा है और उतरने का नाम नहीं ले रहा। वहीं टूटे तिरहुत नहर से निकाला पानी मुरौल और सकरा की कई पंचायतों में तबाही का सबब बना है। अभी सकरा में NH 28 पर दर्जनों लोग शरण लिए हुए हैं।